Students, in this worksheet number thirty one, today we'll discuss about the triangles once again, and required previous knowledge is the criteria for congruency of triangles. Okay, so in previous knowledge, you know that RHS, ASA, SAS, and SSS. These are the criteria for the congruency of triangles. Now, students, let us understand some problems based on the triangles. First question is: Two sides AB and BC and median AD of a triangle ABC. एक ट्राइंगल ए बी सी के ये ट्राइंगल आपका ए बी सी है ट्राइंगल ए बी सी इसकी दो साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन और एक मीडियन ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ए बी इक्वल होगी पी क्यू के ए बी इज़ इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज़ इक्वल टू क्यू आर ये आपकी क्यू आर है बी सी आपके क्यू आर के इक्वल होगी ये इसके इक्वल होगी एंड बी सी वाली साइड पी क्यू आर के इक्वल होगी एंड द मीडियन ए डी मीडियन इसका इसके इक्वल होगा ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर ये ट्राइंगल आपका है पी क्यू आर ये चीज़ आपको गिवन है ठीक है आपने देखा दो साइड्स और एक आपका मीडियन, एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के मीडियन और दो साइड्स के बराबर है एंड यू हैव टू शो दैट फर्स्ट थिंग ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू एन एंड सेकेंड ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर तो हम ऐसा करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू एन इसे करते हैं तो आप देख रहे हो कि ए बी डी ये आपका डी पार्ट है ए बी डी और ये पी क्यू एन है तो आपको यहाँ पे बेसिकली ये जो ट्राइंगल आपका शो हो रहा है फर्स्ट ट्राइंगल और इसको मान लो सेकेंड इन दोनों को आपको दिखाना है कि एक दूसरे के ये कांग्रोट है तो अब इन दोनों को जब हम देखते हैं हम ये लेते हैं यहां पर तो यहां पर आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिस इज गिवन टू अस ए डी इक्वल टू पी एन ये भी आपको गिवन है ठीक है और तीसरी चीज़ है बी डी इक्वल टू क्यू एन ये आपकी कैसे बराबर है क्यू एन के तो इसके लिए हम रीजन देखेंगे कि जब आप ये बोलते हो कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर आपको ये गिवन है कि बी सी क्यू आर के इक्वल है दिस इज गिवन टू यू बी सी क्यू आर के बराबर है ये शुरू में गिवन था तो इनका हाफ भी इक्वल होगा अगर ये दो बराबर है तो उनके आधे भी बराबर होंगे अगर चार चार के बराबर है इसका आधा करें तो दो दो भी बराबर होते हैं ठीक है तो इसी लॉजिक से हम बोलते हैं कि इनके हाफ भी इक्वल है अब बी सी का हाफ क्या है बी सी का हाफ है बी डी एंड क्यू आर का हाफ क्या है क्यू एन तो ये चीज आपकी लिखिए बी सी इक्वल टू क्यू आर यानी कि हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर इट मीनस बी डी इज इक्वल टू क्यू एन तो ये लाइन हम यूज करेंगे जिसको हमने इक्वेशन नंबर वन मार्क किया है कि बी डी इज इक्वल टू क्यू वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन गॉट इट समझ आ गया तो ये चीज यूज हो गई तो हम बोल सकते हैं कि नाउ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेन बाई विच रूल एस 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 कांग्रेस रूल क्योंकि ये भी एक साइड है ये भी एक साइड है ये भी एक साइड है साइड 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 सो बाई एस 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 कांग्रेस रूल ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन तो ये आपका प्रूफ हो गया अब इससे हम एक चीज़ डराइव कर सकते हैं सी पी सी टी हम कर सकते हैं अगर ये एंगल्स इक्वल हो गए ये ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है हम बोल सकते हैं ए बी टी एंगल ए बी टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन ठीक है क्लियर हो गया ये तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं ओके सेकेंड पार्ट में हमें फुल ट्राइंगल लेना है ट्राइंगल ए बी सी टू पी क्यू आर और इस लाइन को हम यूज़ करेंगे ए सी पी सी टी वाली लाइन को ठीक है तो अब ए बी सी पी क्यू आर हम यहाँ देखते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर में हमारा क्या क्या बराबर है एक तो हम बोल सकते हैं ए बी आपका पी क्यू के बराबर है गिवन है फिर आप बोल सकते हो पी सी आपका क्यू आर के बराबर ये आपकी साइड क्यू आर है ये आपका बी सी है और ये आपका ए है ये भी आपको गिवन है ये भी हमने कर दिया और तीसरी चीज़ आप क्या बोलोगे अब ये तो मीडियन गिवन था मीडियन उसका है नहीं तीसरी सी साइड आपकी ये वाली है ये आपको इक्वल दे नहीं दिखी तो आप क्या करोगे आप ये एंगल यूज़ करोगे एंगल ए बी डी इज़ इक्वल टू एंगल पी क्यू एन ठीक है तो हम बोल सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू तो अब आपका क्या होगा साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड तो हम बोल सकते हैं एस ऐसे एस से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर तो आपने देखा कि यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी दो जगह के प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट साइड को आपने कॉन्ग्रेन प्रूव किया था फर्स्ट ट्राइंगल को उसके उसके कंक्लूजन से आपने उसको यूज किया सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए ठीक है एक कंक्लूजन जो यहाँ निकला उसने इसको हेल्प करी और उसी से हमें यहाँ एक कंडीशन मिली नहीं तो हमारे पास सिर्फ दो साइड थी और तीसरी चीज मिल नहीं रही थी तो हम देख रहे थे कि क्या चीज हो सकती है दो साइड वाला आपका एक रूल तो ये है एस ए एस वाला और एक रूल आपका ये वाला है तो एक तीसरी चीज ढूंढनी थी या तो एक साइड ढूंढना था या एक एंगल ढूंढना था तो ये एंगल हमें यहाँ से मिल गया ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ये बी ई एंड सी एफ ये दोनों इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं एक ट्राइंगल ए बी सी के यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल इस रूल को यूज करना है आपने प्रूव दैट ए बी सी इज आइसोसलस ट्राइंगल याद करो पिछली वर्कशीट में हमने इसका उल्टा किया था ट्राइंगल हमें आइसोसलस दे रखा था हमने ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव किया था अभी हमें उल्टा क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं हमें उसे

बी सी एफ ये आपका ये पॉइंट है बी ये पॉइंट है सी ये पॉइंट है एफ इसको और दूसरे को लेना है सी बी ई ये आपका है सी बी ई ठीक है B, ये ई e. पॉइंट है।, e. है इनको हम कॉन्ग्रेट प्रूव करते हैं ठीक है अब इसमें क्या गिवन है एक तो गिवन है बी सी दोनों में आ रही है दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है तो ये कॉमन है एफ सी आपका बी ई e के इक्वल है ये आपको शुरू में दे रखा था भी ऑल्टीट्यूड दोनों बराबर है ये भी हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं ये भी हमको गिवन है अब तीसरी चीज़ है बी एफ सी इज इक्वल टू सी बी इक्वल टू राइट एंगल ये ऑल्टीट्यूड है तो ये नाइन्टी डिग्री होता है ठीक है और आपको इतना बड़ा हिंट दे रखा था आर एच एस कांग्रेस रूल तो एक राइट right एंगल आपको ढूंढना ही था सो बाय आर एच एस रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कांग्रेन व्हेन दीज टू आर इक्वल इट मींस दैट एफ बी सी ये एंगल एफ बी सी ई सी बी के इक्वल हो गए अब ये सी पी सी टी से इक्वल हो गए जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हो, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं इट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो ए सी डी ए बी के इक्वल होगा द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल सो इट इज एन आइसोस ट्राइंगल ओके एक बार मैं फिर से याद दिला देती हूँ आपने दो ट्राइंगल्स लिए उनके अंदर कॉन्ग्रेंसी रूल लगा दिया वो आपको हिंट गिवन था आर एच एस से उससे आपको ये मिल गया कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं जब आपको ये मिल गया दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल है इसका मतलब ये एक आइसोसलस ट्राइंगल है ओके नाउ क्वेश्चन है इफ़ एज इन ए डी इज़ एन ऑल्टीट्यूड इन अ ट्राइंगल एक ट्राइंगल है जिसमें ये दो साइड्स इक्वल है यानी आइसोसलस ट्राइंगल है शो दैट ए डी बाईस बी सी और ए डी क्या है ऑल्टीट्यूड है ऑल्टीट्यूड क्या होता है जो 90 डिग्री है हमें ये दिखाना है ये अपोजिट साइड बी को बाइसेकट करता है अगर ये बी साइड है ये आपका ए डी ऑल्टीट्यूड है तो ये बी को बाइसेक्ट कर रहा है यानी हमें बी डी इक्वल टू डी दिखाना है ठीक है यहाँ पर हमारे पास एक ये ट्राइंगल है ए बी डी दिस इज गिवन टू अस एंड ए डी इज़ द ऑल्टीट्यूड विच इज गिवन टू अस अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी इस ट्राइंगल को लेंगे एंड ट्राइंगल ए डी सी इस ट्राइंगल को लेंगे इन दोनों के अंदर ए डी सी और ए डी बी दोनों 90 हैं ये वाला ए डी बी आपका हुआ ए डी बी ये वाला पोर्शन ए डी बी ये हुआ और ए डी सी ये हुआ ये दोनों 90 हैं और ए बी आपका ए सी के इक्वल है ये भी हमें गिवन है शुरू में रीजन गिवन था ए डी इक्वल टू ए डी ये कॉमन है ए डी दोनों में आ रहा है तो तीनों कंडीशन हो गई आपके पास कौन सी कंडीशन है ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल हैपेटेन्यूस सो आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल से जहाँ पे एक राइट right एंगल है ये हैपेटेन्यूस है और एक इस साइड है तो ये आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्गोरेंट हो गए जब दो ट्राइंगल्स कॉन्गोरेंट हैं तो इनकी ये दो साइड्स भी इक्वल हो गई बाई सी टी सी टी बी डी इक्वल टू तो हमने प्रूव कर दिया बी डी इक्वल टू डी सी है सो ए डी बाई सेक्ट बी सी ये आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करके आप एक और बताती हूँ कई बार इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बना देते हैं ये बोलते हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल बाईसेक्ट हो रहा है आपको ये बोला जाता है समटाइम्स कि दिस ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स एंगल ए तो आप इसी को ही आगे बढ़ा के लिख सकते हो एंगल बी ए सी इक्वल टू डी ए सी बी ए सी आपका डी ए सी के इक्वल है सीपीसी टी से सो so इससे प्रूव होता है एंगल ए इज़ बाइसेटेड अगर एक लाइन और आती तो इसी प्रूफ में हम एंगल ए इज बाईसेटेड ये भी आ जाता ये मैंने साथ में इसके साथ में ले लिया है ठीक है बाकी हमारी वर्कशीट में क्वेश्चन में यहाँ तक है सो ये चीज़ नहीं है वर्कशीट के अंदर ओके ये होता तो आपका ये और कंबाइंड था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसलस ट्राइंगल ये दो आइसोसल्स ट्राइंगल है जो पिक्चर में हमें गिवन है एंड हमें क्या करना है

डीसी के इक्वल है ये दोनों इक्वल है आपस में और ये दोनों इक्वल है आपस में ये हमें गिवन है हमें प्रूव करना है ए बी डी ये ग्रीन ट्राइंगल जो दिख रहा है और दूसरा है ये जो ब्लू से दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्गोरेंट है हमें प्रूफ करना है ग्रीन शेडेड जो पार्ट दिख रहा है और जो ब्लू शेडेड पार्ट दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे से कॉन्गोरेंट है सो लेट अस डू इट यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम बोल सकते हैं ए बी एस गिवन है इक्वेशन नंबर वन पीछे मार्क की थी हमने ये इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू ओके बी डी डी सी के इक्वल है और ए डी दोनों में कॉमन है सो so, हम बोल सकते हैं साइड 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 ये साइड इस साइड के ये साइड इस साइड के और ये साइड सो एस 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 कांग्रेस रूल से दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कांग्रेन हो गए यही आपको प्रूव करना था है ना कि प्रूव दैट दीज टू आर कॉन्ग्रेंट सो वी हैव प्रूव प्रूवन इट ओके बच्चों इस काम को अपनी कॉपीज में करके इनकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आई होप एवरी थिंग इज क्लियर टू यू This topic is not that difficult. So let's over the class. Thank you. Bye-bye.